नेक्स्ट टॉपिक, एक समान गति या असमान गति। गति भी तो कई प्रकार की होती है ना। फिलहाल अपने देख रहे हैं कि एक तो बिल्कुल एक समान से गति हो रही है और एक असमान गति है। नाम से स्पष्ट हो रहा है, देखो एक समान गति। देखो सबसे पहले एक समान गति को डिफाइन करते हैं, उसके बाद फिर हम एक समान गति। एक समान गति क्या होती है? जब कोई वस्तु, गति कौन करेगा? वस्तु ही करेगी, तो कोई भी अपनी वस्तु ले लेते हैं। जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में एक समान गति करती है, तो वो क्या कहलाती है? एक समान गति कहलाती है। कैसे? देखो जब कोई वस्तु है वो एक समान समय अंतराल में, ये चीज आपके इंपॉर्टेंट है, इसको मत भूल जाना इस डेफिनेशन में, कि समान जो समय अंतराल है ना उसके अंदर जो अपनी गति होगी ना वो क्या कहलाएगी? एक समान गति कहलाएगी। कैसे? देखो अपने पास एक एग्जांपल ले लिया, कोई मतलब कुछ भी वस्तु मान लो, कोई कार मान लो, चलो एक सेकंड के अंदर कितना चलती है वो? एक मीटर चलती है, ठीक है? एक सेकंड में कितना चली? एक मीटर चली। फिर अगला जो एक सेकंड आएगा उसमें भी कितना चली वो? एक मीटर चली। नेक्स्ट एक सेकंड आया उसमें भी कितना चली? एक मीटर चली। तो ये तो क्या हो जाएगा? वस्तु की एक समान गति हो जाएगी, कि वो हर समान मतलब जो समय अंतराल है ना, जो उसका सब टाइम पीरियड है, जो उसका गैप है बीच में, उसमें क्या जा रही है? वो बिल्कुल एक समान जो है चाल से गति कर रही है। लेकिन ये मोस्टली पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि क्या, अब इसका एग्जाम्पल अपने बाद में देखेंगे, सबसे पहले हमें समझते हैं असमान गति। चलो ये तो हो गया एक समान गति, अब बात करते हैं असमान। असमान मतलब जो गति क्या होगी? समान नहीं होगी। समय अंतराल में क्या होगा? समान नहीं होगी, समान नहीं मतलब सिंपल सी बात है। इसमें क्या था? बिल्कुल एक टाइम पे चल रही थी, बिल्कुल एक सेकंड है तो एक मीटर जाएगी, एक सेकंड है तो इधर भी एक मीटर जाएगी। यहां मान लो पहले सेकंड में कितनी जा रही है? एक मीटर जा रही है। दूसरे सेकंड में कितनी चली गई? तीन मीटर चली गई। फिर तीसरे सेकंड में क्या हुआ? कम होके फिर कितने में आ गई? एक मीटर में आ गई। क्या हो गया? असमान में एक से मतलब चाल से चल रही है ना, तो ये अपना क्या होगा? एक समान और असमान गति। इसका एग्जांपल अपने सिंपल सी भाषा में देख सकते हैं, कि मान लो कोई कार है, खाली जगह होगी, क्या करोगे आप? कार में बैठे हो, खाली रोड है, कोई ट्रैफिक नहीं, क्या करोगे? स्पीडली लेके जाओगे उसको। लेकिन वहीं पे कोई रोड है, काफी रश है, मतलब पूरा जो है ट्रैफिक से भरा हुआ है, गाड़ियां बहुत सारी, तो क्या उसी स्पीड से चल पाओगे जहाँ खाली सड़क पे चल रहे थे? नहीं चल पाओगे ना। तो वहां पे आ जाएगी आपकी स्पीड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो वही बताया हुआ है कि गति जो मोस्टली होती है वो असमान ही होती है। एक समान गति भी होती है लेकिन कुछ रेयर कंडीशन के अंदर। आप देखते हैं कि जैसे कोई वस्तुएं हैं अपने पास, मान लो कोई आपके पास गेंद है, गेंद ले लो, पहली बार गेंद को फेंका, ठीक है, थोड़ी जो है अधिक तेजी से चली गई। दूसरी बार सेम गेंद को आपने फेंका, थोड़ा यूं धीरे धीरे जा रही है, तो मतलब क्या हो गया? वस्तु तो एक ही है ना, लेकिन दोनों कंडीशन में क्या होगी? इसकी चाल अलग अलग होगी। तो वही यहाँ पे अपनी गति का नियम होता है, ठीक है। चलो ये तो होगी अपनी एक समान गति और असमान गति। गति समझ ली, डेफिनेशन पता चल गई क्या आती है, अब इसकी मापन करेंगे। जो गति की जो दर होती है ना उसको अपने मापते कैसे हैं वो अपने आज समझेंगे। देखो देखो अपने नेक्स्ट टॉपिक है, मतलब नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है गति की दर का मापन। गति की दर का मापन, जो सबसे पहले मैंने अभी आपको ये चीज बताई है कि जो कोई भी वस्तु है उसकी गति क्या होती है? अलग अलग होती है। अलग अलग वस्तुएं होगी, उनकी
वो तेज चलेगी। दूसरे आप मान लीजिए आपके पास साइकिल है तो क्या होगा, वो क्या होगी, धीरे चलेगी तो गति क्या होगी, अलग अलग होगी। तो अब इसको अपने नापने के लिए ना एक सूत्र का प्रयोग करते हैं। देखो अपने गति की दर को क्या कहा जाता है, चाल कहा जाता है। तो चाल को अपने किस में लेंगे, एवरेज में लेंगे, औसत में लेंगे। तो यहाँ क्या रहेगा, औसत चाल बराबर कुल दूरी, जितनी भी दूर अपने गए हैं या जितनी भी दूर अपने को जाना है वो कुल दूरी बटा में कुल समय या लगा हुआ कुल समय, कुछ भी कह लो अपने को। मतलब समय से है कि अपने को जितना टाइम लगे अपने को उतना ही टाइम देना है, ठीक है। तो औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा में कुल समय, तो ये तो अपने पास एक फॉर्मूला आ गया। अपने इसको किस कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। देखो हो गया चाल बराबर कुल दूरी बटा में समय। यहाँ पे आप इसको कैसे लिखोगे, दूरी को किससे लिखते हैं, ऐसे। टाइम पीरियड किससे लिखा जाएगा, टी से। औसत चाल को आप किससे लिखोगे, वी से। यहाँ पे लगा दो ए वी एवरेज, औसत लिखा ना आगे, तो वी एवरेज बराबर एस अपॉन में टी। आपके पास क्या आ गया, ये एक फॉर्मूला निकल के आ गया, किसका, औसत चाल का। अब इसके अपने बात करते हैं, फॉर्मूला आ गया कैसे मापन करेंगे वो आपको एग्जांपल से समझाऊंगी। अब बात करते हैं अपने एक यूनिट की, इसकी यूनिट या मात्रा कह लो, ठीक है। तो देखो कुल दूरी, दूरी किस में होती है, अपने मीटर में लेते हैं, दूरी मीटर में है। तो टाइम पीरियड किस में जाएगा, सेकंड के अंदर। तो यहाँ पे इसका मात्रक क्या बन गया, मीटर प्रति सेकंड, या इसको कैसे लिख सकते हैं आप, मीटर सेकंड इनवर्स माइनस एक लगा दो। एक तो अपने पास मात्रक ये आ गया, एक मात्रक क्या ले सकते हैं अपने, देखो अगर यहाँ पे अपने जो दूरी है वो किस में ले, किलोमीटर में ले, तो टाइम पीरियड किस में जाएगा, आवर्स में जाएगा, आवर्स में गया। तो देखो वही सेम इसके जैसी प्रोसीजर, किलोमीटर प्रति घंटा, या इसको क्या लिख सकते हो, किलोमीटर इनवर्स। अपने पास सूत्र आ गया, यूनिट अपने में समझ ली। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल है कि कोई कार जो है वो दो घंटे में कितनी दूरी तय करती है, 600 किलोमीटर मान लो। चलो दो घंटे में कोई एग्जांपल ले लिया, अपने को टाइम कितना दिया हुआ है, टी कितना दिया हुआ है, दो घंटे। उसके अलावा दो घंटे में कितनी दूरी तय करती है, दूरी दी थी अपने को, दूरी अपने मान लो फॉर एग्जांपल 600 किलोमीटर मान लो, 600 किलोमीटर मान ली दूरी अपने ने, ठीक है। दो घंटे के टाइम में कितनी गई, 600 किलोमीटर। अब वो पूछ रहा है अगर इतने टाइम में ये जा रही है अपनी जगह पे तो इसकी चाल कितनी होगी, कार किस चाल से चल रही, चाल निकाल सकते हो, फॉर्मूला लगाओ, वी एवरेज बराबर एस अपॉन में टी। एस का मान रखो क्या है, दूरी 600 किलोमीटर, अपॉन में टाइम कितना है अपने पास, दो घंटे, कर दो डिवाइड, काटो कितना आ गया, 2 × 3 = 300। मात्रक क्या आएगा, किलोमीटर प्रति घंटा या किलोमीटर इनवर्स में आ जाएगा। क्या आंटी, ठीक है। तो देखो अपने पास एवरेज कितनी आ गई, 300 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई। किलोमीटर प्रति घंटा मैंने आपको मात्रक इसमें बता रखा है, किलोमीटर आएगा तो प्रति आवर में जाएगी टाइम पीरियड, अगर मीटर है तो किस में जाएगा, सेकंड में जाएगा। तो आज का अपना टॉपिक जो था गति की दर का मापन, औसत गति, अपने चाल वगैरह सब कुछ कर लिया, मात्रक भी पढ़ लिया। अब बाकी का जो टॉपिक है वो करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में।